हरे कृष्णा डियर डिबोटीज। सो दिन था 6 जनवरी 2023, यानी कि पुष्प अभिषेक। तो भगवान का पुष्प अभिषेक इस दिन हम लोगों ने पालन करा। इनफैक्ट 6 जनवरी 2023 को सारे इस्कॉन सेंटर्स में भगवान का पुष्प अभिषेक का उत्सव बड़े ही धूमधाम से पालन किया गया, और हम लोगों ने भी बरपेरा रोड नामहट्टा में इस उत्सव का बड़े ही धूमधाम से पालन किया। इस दिन भगवान को पुष्प के अभिषेक के उपरांत भगवान को पुष्प के पोशाक में भी सजाया गया था। उसके ऊपर भगवान का जो सिंहासन था वो भी पुष्प से सजाया गया था। आप देख सकते हो ये भगवान का पोशाक है, जो एकदम बड़े ही सुंदर तरीके से पुष्प से बनाया गया। एंड भगवान इस दिन बड़े ही सुंदर लग रहे थे तथा मनमोहक, तो वो वैसे ही है। तो गौर निताई का जब ये पोशाक में मेरे से दर्शन हुआ तो मेरा मन बहुत ही मुग्ध हो गया इनके अलौकिक दर्शन प्राप्त करके। एंड मुझे तो बड़ा आनंद आया। और इस ब्लॉग में अंत तक ज़रूर से बने रहे, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने पुष्प अभिषेक का भी कुछ कुछ फोटेज हम लोगों ने इधर शेयर करे, एंड प्लस बहुत सारे कीर्तन भी हम लोगों ने इधर किया। तो सारे चीज़ों को आप अंत तक ज़रूर बने रहे, ताकि आप ये सारे अद्भुत और मनोरम दृश्यों का दर्शन कर सके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। शाम का शुरुआत हुआ तुलसी आरती, और तुलसी आरती के बाद अभी द्वार, भगवान के जो द्वार है वो अभी खुलने जा रहे हैं, और उसके बाद गौर आरती हुआ और बाकी कीर्तन एक के बाद एक होते गया। तो अभी भगवान का दर्शन कर लो, क्योंकि अभी भगवान का जो द्वार है वो अभी खुला जा रहा है। तो अभी भगवान का दर्शन करने के बाद हम लोग गौर आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये रहा सिंहासन और ये रहा भगवान का विग्रह, जो कि बहुत मनमोहक और बहुत ही सुंदर और लग रहे थे। और अभी टाइम है गौर आरती का, तो चलो गौर आरती शुरू किया जाए। और इधर देख सकते हो एक प्रभु प्रसाद का इंतजाम में लगे हुए थे। तो उस दिन हम लोगों में खिचड़ी का प्रसाद वितरण हुआ, जो अभी बना जा रहा है, और उसके बाद भगवान का भोग लगाया जाएगा। एंड अभी देख सकते हो बहुत धूमधाम से कीर्तन शुरू हो गया, आरती ख़त्म हो चुका था और अभी कीर्तन का टाइम है। तो सब कोई जो भी भक्तगण आए थे सारे मिलके हम लोग अभी कीर्तन में योगदान कर रहे हैं। और इधर देख सकते हो एक माता जी अभी पुष्प का इंतज़ाम कर रही है, या फिर पुष्प एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक कुछ ही क्षणों में होने वाला है। और अभी इधर दर्शन कर लो श्री प्रभुपाद का, जिनको गले में भी पुष्प का माला है और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कराया गया है। तो अभी हम भी थोड़ा सा योगदान कर लेते हैं भगवान के पुष्प को उनके अभिषेक के लिए रेडी करने में और साथ में कीर्तन तो है ही। और गाइस अभी देख सकते हो कीर्तन के बाद हम लोगों का अभी थोड़ा सा भागवत कथा का भी आलोचन हुआ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर रोज़ भागवत का थोड़ा सा, भागवत या फिर गीता कोई भी बुक आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो कीर्तन के बाद भागवत गीता का पाठ हुआ, एंड उसके ऊपर मतलब उसके उपरांत उसके बाद मैं ये जो थाली देख रहा हूँ ये रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भगवान का भी आरती होगा, जो कि पुष्प अभिषेक के पहले होगा, आरती के बाद पुष्प अभिषेक शुरू होगा। तो ये थाली मैंने रेडी करा, मैं और मेरा एक दोस्त था जो साथ दिए, हम लोगों ने इस थाली में लगाए, और इसी से भगवान का भी आरती किया जा रहा है, क्योंकि आरती के बाद ही वो अभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा। तो अभी भगवान का आरती हो रहा है और साथ में बाजू में कीर्तन तो चल ही रहा है। आरती के ख़त्म होने पर पुष्प का वर्षा भगवान के ऊपर शुरू हो गया। देखो भगवान कितने मनमोहक लग रहे, जब उनके ऊपर पुष्प से अभिषेक उनका हो रहा है, गुलाब के पंखुड़ी या फिर मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स थे और विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स से उनका अभिषेक हुआ।
तो ये अभी अभिषेक होने के बाद वाला सीन है जहाँ देख सकते हो पूरा जो आसन है वो फूलों के पंखुड़ियों के साथ भर चुका है और भगवान इतना मनमोहक लग रहे हैं, उनके दर्शन एकदम पावन और दिव्य लग रहा था। अभिषेक होने के बाद हम सारे भक्त मिलके कीर्तन और डांस या फिर ऐसे कह सकते हैं डांसिंग वाले कीर्तन करना स्टार्ट कर दे ताकि भगवान को हम सुख सो कीर्तन के बाद हम लोगों में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे